हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो हाय, मैं हूँ जीविका। वीडियोस बनाती हूँ मेकअप, ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर और भी बहुत कुछ मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बिगनर्स मेकअप किट। बिगनर्स की किट में क्या क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि बिगनर्स को इतना ज्यादा मेकअप करना नहीं आता है। तो बेसिक जो चीजें होती है ना, जो हर बिगनर के पास होनी ही चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में, वो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने यूज करे हैं। जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो सभी टेस्टेड हैं, मैंने अपने ऊपर ट्राई करे हैं, मुझे अच्छे लगे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बिगनर किट में ऐड किया जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या तो फिर आपको नाम मिल जाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लोकल मार्केट से भी परचेज करे हैं या अल्टरनेटिव जो भी होगा प्रोडक्ट का, तो वो उसकी लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो या तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक बिना स्किप किए। अगर आप बिगनर्स हो ना, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो गाइज, मैं रैंडमली प्रोडक्ट्स उठाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे यूज करना है। तो ओके, सबसे पहले बात आती है मॉइस्चराइजर की। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ ये जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर। बहुत अच्छा है, स्किन पर प्रॉपर मॉइस्चराइजर आपको प्रोवाइड करेगा। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन, आप सभी स्किन टाइप वाले इस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल है। लोकल मार्केट से 10 रुपीज में परचेस किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं सोच रही हूँ दूसरा टब भी परचेस करने का। तो ये है जॉय की मॉइस्चराइजर क्रीम, आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है लिप बाम। लिप बाम के लिए मैंने ऐड किया है इस किट में वादी हर्बल का लिप बाम है, बहुत ज्यादा अच्छा है। टिंटेड लिप बाम नहीं है ये, मतलब सारे लिप बाम्स होते हैं जिनको अप्लाई करने से ना वो पिंक दे देते हैं, पिंक कास्ट वगैरह मिलता है उससे, इस टाइप का नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें अवेलेबल है, आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो। ये वाला लिप बाम बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मतलब आपके लिप्स को प्रॉपर मॉइस्चराइज करेगा और फटने से बचाएगा, तो ये बहुत अच्छा लिप बाम है। नेक्स्ट बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए प्राइमर जरूर अप्लाई करना चाहिए, चाहे बिगनर्स हो या आप मेकअप में प्रो हो। अगर आप प्राइमर नहीं अप्लाई करोगे ना, तो उससे क्या होगा, मतलब आपका जो मेकअप है ना, स्किन के डीपली अंदर चला जाएगा, उससे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पिंपल की प्रॉब्लम से बचना हो तो आपको अप्लाई करना है प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज करती हूँ NYD का ब्लर प्राइमर, या आपके पोर्स को ब्लर करेगा, जिससे आपका जो मेकअप है ना बहुत ज्यादा स्मूथ दिखेगा। यू कैन सी, मैंने यही वाला प्राइमर अप्लाई किया है और आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस बेस क्रिएट हुआ है। तो दिस इज द बेस्ट बेस्ट प्राइमर। प्राइमर के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सीसी क्रीम। टीनेजर को ना बहुत ज्यादा अप्लाई करना पसंद होता है सीसी क्रीम, फाउंडेशन की बजाय वो सीसी क्रीम अप्लाई करना प्रेफर करते हैं। तो सीसी क्रीम के लिए स्टेक होल्ड की सीसी क्रीम है, बहुत ही मतलब मीडियम कवरेज होती है, मीडियम लो टू मीडियम कवरेज सीसी क्रीम या बीबी क्रीम से मिलती है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो थोड़ी लिक्विडी है एंड मैंने इसे बहुत सारी वीडियो में यूज भी किया है, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो। दिस इज द बेस्ट सीसी क्रीम, आप परचेज कर सकते हो, purple.com पे आपको इजिली मिल जाएगी। और अभी रक्षाबंधन की सेल चल रही गाइस, तो ये सारे प्रोडक्ट आप जाके परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप बहुत ही अच्छे वाले फाउंडेशन को ढूंढ रहे हो जिसमें आपको अच्छी कवरेज मिले, फिनिश अच्छी हो और मतलब एक बार में ऐसा प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो जिससे ना पैसा बर्बाद नहीं हो आपका, तो आपको परचेज करना चाहिए मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन। बहुत अच्छा वाला फाउंडेशन है ये, मेरा शेड है 128। आप अगर आपकी मेरी स्किन टाइप है तो आप ये वाला फाउंडेशन परचेज कर सकते हो। ये वाला फाउंडेशन ना मैट फिनिश देगा आपको, तो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, 250 के अप्रोक्स आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप परचेज करोगे सेल के दौरान, मतलब इसे परचेज करोगे आप, तो आपको 250 में इजीली मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ एक बेहतरीन कंसीलर, जिससे आपके ना अफोर्डेबल प्राइस में ही इतना अच्छा कवरेज मिलेगा, फ्लॉलेस अंडर आई हो जाएगी, आपके पिंपल्स एरिया को इजीली कवर कर देगा।
वो है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी होगी आपने, लिटरली ये वर्क भी करता है और इसकी कवरेज ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मेरा शेड है इसमें 02 सैंड सेबल, जो मेरी स्किन को सूट करता है, यू नो अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए डार्क सर्कल्स वगैरह पे अप्लाई करती हूँ मैं। और ये बहुत ही अच्छा वाला कवरेज है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, पैसा वसूल कंसीलर आप कह सकते हो। बेस पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब प्राइमर, फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और कंसीलर। अब सारी चीज़ों को सेट करने के लिए एक कॉम्पैक्ट पाउडर तो आपके पास होना ही चाहिए। तो कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एन बाय डे का कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक मिरर भी आएगा इसमें, मिरर इस टाइप की पैकेजिंग में मिलेगा, यू नो आपके फेस पे जो बेस है उसको सेट कर देगा, आपकी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम सेट प्रॉपरली सेट हो जाएगा। अगर आप इसे सेट करते हो ना अपने फाउंडेशन को या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम को गाइस, तो आपका जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, जल्दी रिमूव नहीं होगा। तो आपको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो नेसेसरी है, एक बिगनर किट में ऐड होना ही चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ एक बेसिक से आई शेडो की, आई शेडो पैलेट की, बिगनर के पास होनी चाहिए, यू नो थोड़े से न्यूड काइंड में अगर उसमें आई शेडो रहता है ना तो बिगनर इजीली प्ले कर सकते हैं उससे। एकदम से बिगनर्स हो मेकअप में और अचानक से आप मतलब बोल्ड कलर अप्लाई करोगे अपनी आईज पर तो वो थोड़ा वियर्ड लग सकता है, क्योंकि उसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप की न्यूड पैलेट, ये है SFR की द ब्लस्ड न्यूड पैलेट। आप कोई सी भी न्यूड पैलेट यूज कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर इसका लिंक मिलेगा तो मैं ये वाला भी लिंक दे दूंगी। तो इस टाइप से ये न्यूड काइंड, इसमें आपको शेड मिलेंगे, ब्लैक है, ब्राउन है और थोड़े से दो तीन शिमरी कलर भी मिलेंगे एंड थोड़े से लाइट, ये सारे ना न्यूड कलर है। आपको जरूर ये वाला पैलेट परचेस करना चाहिए, बिगनर्स हो तो आपको डेफिनेटली परचेस करना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और आप अपने फेस को सेट करना चाहते हो कॉम्पैक्ट के हेल्प से नहीं लूज पाउडर के हेल्प से, तो लूज पाउडर के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर। ये आपको प्रॉपर फ्लॉलेस अंडर आई कर देगा, बेस फ्लॉलेस बना देगा और इससे कोई केकीनेस नहीं आएगी आपकी अंडर आईज पर। अंडर आईज पर बेकिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट लूज पाउडर। और आप देखते होंगे मेरी वीडियोस में मैं ज़्यादातर इसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये लिटिल बिट कवरेज भी मुझे प्रोवाइड करता है, जो कि दूसरे लूज पाउडर इतने अफोर्डेबल प्राइस में नहीं प्रोवाइड करते। तो गाइस लूज पाउडर दिस इज़ द बेस्ट, और मैंने काफ़ी हद तक इसे फिनिश भी कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थोड़े से यू नो ब्लश की, हाइलाइटर की, तो मैं रेकमेंड करने वाली हूँ ये SFR का 3D हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट इन द शेड 01 मेरा शेड है। और इसमें आपको ब्लश के साथ साथ हाइलाइटर भी मिलेगा जो कि काफ़ी पिगमेंटेड है, और ब्लश यू नो शिमरी टाइप ब्लश ज़्यादा अच्छे लगते हैं टीनेजर गर्ल्स पर, तो उनके लिए भी ये वाली मेकअप किट है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये वाला प्रोडक्ट, तो ये पिगमेंटेड हाइलाइटर है एंड यहाँ पर आपको ब्लश भी मिल जाएगा, तो ये वर्क करेगा 2-in-1 का। लाइनर के लिए मैं रेकमेंड करने वाली हूँ आपको ये NYB का जेट ब्लैक लाइनर है, बहुत प्रिसाइज इसकी टिप है जिससे आप इजीली विंग क्रिएट कर सकते हो, सिंपल क्रिएट कर सकते हो, मतलब जैसा आपको लाइनर चाहिए ना वो इससे इजीली क्रिएट हो जाएगा। 1 सेकेंड मैं इसकी टिप दिखाती हूँ। एज यू कैन सी बहुत प्रिसाइजली टिप है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है यू नो पकड़ने में, तो ये इजीली ड्रॉ कर देता है। तो दिस इज द बेस्ट लाइनर फॉर द बिगनर्स। अगर आप कुछ कलरफुल पे जाना चाहते हो, कलर्ड लाइनर वगैरह, तो आप ऐसे ग्लिटर लाइनर भी टेस्ट कर सकते हो। ये है द फैशन फैक्ट्री की ग्लिटर लाइनर है और ये बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल पिगमेंटेड है, आप इससे इजीली कलर्ड लाइनर भी क्रिएट कर सकते हो। देन बारी आती है काजल एंड मस्कारा की, तो मस्कारा के लिए मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ बेला वॉस्टा का ये मस्कारा है, अफोर्डेबल प्राइस में आपकी लैशेस को कॉम कर देगा एंड थोड़ी सी यू नो वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल मतलब जैसे आपको आई लैशेस चाहिए वैसे आपको लैशेस प्रोवाइड हो जाएगी इस मस्कारा से, बहुत अफोर्डेबल है, आप चेक कर सकते हो। और इसका वॉन्ट मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका वॉन्ट, ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, फैला हुए वॉन्ट जो होते हैं ना उससे आपके लैशेस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। बाकी ये दिस इज द बेस्ट मस्कारा फॉर द बिगनर।
काजल के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी NY बेका द बिग एप्पल ऑफ माय आई काजल है। ये बहुत ही जेट ब्लैक काजल है और इसमें बहुत सारे कलर भी मिल जाएंगे आपको। प्रिसाइजली यू नो शॉप करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, ओपन हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इस टाइप का ये काजल है, बहुत ही प्रिसाइजली काजल अप्लाई होगा, फैलेगा नहीं। इसको अप्लाई करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि दी तो फैल गया, मैं बहुत ज़्यादा भूत लग रही हूँ। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रिसाइजली अप्लाई हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा इजिली। तो दिस इज द बेस्ट काजल फॉर द बिगनर। इसमें बहुत सारे कलर भी अवेलेबल है, कलर काजल, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं लिपस्टिक के। लिपस्टिक के ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यूड में, रेड में और पिंकिश टोन में, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको ये वाले कलर से ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं लेके आई हूँ वो वाले शेड आप सभी के लिए। फर्स्ट वन इज द पर्पल की मिनी लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर है इसका। बिगनर्स के लिए बेस्ट है और ये वाला लिप शेड तो होना ही चाहिए, मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा आपको। मतलब ये प्रॉपर रेड भी नहीं है, प्रॉपर ब्राउन भी नहीं है, कुछ अलग सा शेड है। मेरा जो शेड है, शेड नंबर, दिस इज द शेड नंबर 16। नेक्स्ट है ये मालियो की पिंक कलर की लिपस्टिक है, ये पिंकिश टोन में आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, क्लासी पैकेजिंग है ना, अफोर्डेबल में आपको मिल जाएगी। दिस इज द पिंक वन, बहुत ही मैट है ये सारी लिपस्टिक। अगर आप अपने लिप्स को अच्छे से प्रेप करके अप्लाई करोगे ये लिपस्टिक, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी। दिस इज द पिंक वन, मालियों की मैट में लिपस्टिक है इन द शेड 07 है गाइज, बहुत ज़्यादा प्रिटी यू नो रेड कलर है जो हर गर्ल को बहुत ही अच्छा लगता है। प्रॉपर रेड कलर है जो हर स्किन टाइप को सूट करेगा और हर गर्ल्स को ये रेड कलर पसंद आता है। तो दिस इज द बेस्ट लिपस्टिक ऑफ मालियो मैट मी लिपस्टिक इन द शेड 07। अब गाइस बहुत सारी गर्ल्स मुझसे पूछती है कि दी आपने न्यूड कलर का जो शेड है वो आप कौन सी लिपस्टिक का अप्लाई करते हो। तो गाइस मैं अप्लाई करती हूँ हुडा ब्यूटी की ये लिपस्टिक है जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज करी थी, और ये प्रॉपर न्यूड कलर में, यू नो प्रॉपर न्यूड कलर में, प्रॉपर न्यूड कलर में है। मैंने इसे अभी वेयर भी करा हुआ है और इसका जो शेड है दूसरी लिपस्टिक में मेंशन कर दूंगी। तो आप ये न्यूड कलर की लिपस्टिक भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप यू नो थोड़ा लाइनर बोल्ड अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो लिपस्टिक है वो न्यूड रखना चाहिए, तो एक न्यूड लिपस्टिक भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपने लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉसी बनाना चाहते हो तो आपको अप्लाई करना है एक लिप ग्लॉस जो मैंने इंक्लूड किया है खासकर इस वीडियो में। तो लिप ग्लॉस है ये स्विस ब्यूटी का है, यू नो प्रॉपर ग्लॉस प्रोवाइड कर देगा, आपकी मैट लिपस्टिक को ग्लॉसी बना देगा, तो आप ये भी आपके किट में होना ही चाहिए। एट द एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो दिस इज द सेटिंग स्प्रे जो मैं यूज करती हूँ, ADS का मेकअप फिक्सर है ये, लॉन्ग लास्टिंग करेगा, मेकअप को प्रॉपरली सेट कर देगा, बिल्कुल घुल मिल जाएगा मेकअप आपस में। तो दिस इज द मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसकी बजाय आप स्विस ब्यूटी का भी अप्लाई कर सकते हो, इनसाइड का भी यूज कर सकते हो। अल्टरनेटिव के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर चेक करना, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। पिगमेंटेड सारे प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और पर्सनली मैंने इन सभी को यूज भी किया है। यहीं पर ये वीडियो को मैं एंड नहीं कर सकती। आप कहोगे जीविका ब्रशेस ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में कौन बताएगा, तो जो ब्रशेस है ब्यूटी ब्लेंडर्स आपको यूज करने हैं बिगनर्स की किट में होने ही चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी मेकअप नहीं है तो उनका लिंक मैं स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको कौन से जो अफोर्डेबल जो मैं यूज करती हूँ ब्रशेस, वो फेस ब्रशेस कौन से यूज करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर कौन से यूज करती हूँ जो आपको भी यूज करना चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरी मेकअप किट कंप्लीट होती है। एंड गाइज अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ये वाला चीज भी इंक्लूड होना चाहिए, ग्लिटर, आप कहोगे ग्लिटर इंक्लूड नहीं था इसमें, तो आप ग्लिटर, अगर आपको यू नो बोल्ड मेकअप चाहिए, ग्लिटर वगैरह चाहिए, तो लास्ट में मैं आपके साथ एक और चीज शेयर कर देती हूँ, तो आपको यूज करना है। दिस इज द ब्यूटी ग्लेस के आई शेडो पैलेट है गाइस, इसमें आपको ग्लिटर मिल जाएंगे, बहुत सारे शेड में मिल जाएंगे और अफोर्डेबल में आपको ये वाला प्रोडक्ट पड़ेगा, मतलब
300 के अप्रॉक्स ये वाली पूरी किट आपको मिल जाएगी, तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप यू नो थोड़ा बहुत कलरफुल करना चाहते हो तो ये ब्यूटी ग्लेस के आई शेडो पैलेट भी जरूर परचेज करना। इसमें ना ग्लिटर भी है, शिमरी भी कलर है और मैट कलर, सभी कलर इसमें मिल जाएंगे। तो गाइस आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इस मेकअप वीडियो में, बिगनर्स की मेकअप किट थी। That's it for today's video, guys. I hope आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो, हेल्पफुल रहती ना तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो ये मैंने राखी के लिए क्रिएट किया था। ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक और वीडियो है राखी की, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो सारे प्रोडक्ट्स के नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जरूर चेक करना। और प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे ना तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो कर लेना, मतलब कर सकते हो, वहां पर भी मैं डेली एक्टिव रहती हूँ। या ओके वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक व्हाट यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई रिलीज अ न्यू वीडियो।